हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान आईक्यू। और आज हम करेंगे अपना अक्टूबर का पार्ट 5 करंट अफेयर्स का। ठीक है, इसमें हम 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। अगर आपको पिछली वीडियोस देखनी है तो करंट अफेयर की सिंपली प्लेलिस्ट ओपन करनी है और उसमें आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी अब तक की जितनी भी करंट अफेयर की वीडियोज जो है मैंने अपलोड की है। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करेंगे आज की अपनी वीडियो। ओके, तो करंट अफेयर जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ गाइस, बहुत अच्छे सोर्सेज से प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल ऑथेंटिक होते हैं एक तरह से, और अगर कोई हल्की फुल्की मिस्टेक कभी रह भी जाती है तो मैं आपको हमेशा बता देती हूँ। वैसे होती नहीं है, जनरली नहीं होती है, तो आप पूरा भरोसा कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर, मेरे ऊपर मतलब। और साथ ही साथ मैं आपको रिविजन भी कराती रहती हूँ कि कहाँ क्या क्या हो चुका है, वो मैं चीज़ें आपको बताती रहती हूँ। तो आपको वीडियो देखना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको पिछली चीज़ें रिवाइज भी होती है ना, क्योंकि मैं आपको साथ साथ रिविजन भी देती हूँ कि इस स्टेट में ये हुआ है, यहाँ पर ये हुआ है, पीछे यहाँ पर ये हुआ है। ये चीज़ें मैं इसलिए रिपीट कराती हूँ ताकि आपको जो है रिवीजन यहीं पर हो जाए वीडियो देखते देखते। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट पे। पहला है कि भाई रेल व्हील फैक्ट्री, देखो रेल व्हील फैक्ट्री है एक ये लहंका में। ठीक है, तो इसने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, मतलब इन्होंने 40 साल में जो है 40 लाख पहिए बना दिए हैं सिंपल भाषा में। ठीक है, और अभी रिसेंटली इन्होंने 40 लाख हुआ पहिया बनाया है जिसको हम 4 मिलियंथ व्हील भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने पूरी हिस्ट्री जो है वो क्रिएट कर दी है रेल व्हील फैक्ट्री ये लहंका में। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रेल व्हील फैक्ट्री ये जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, तो आपको पता होना चाहिए इट इज इन ये लहंका, और ये लहंका कौन से राज्य में है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, अब रेल की बात आई है तो हम बात करेंगे किसान रेल्स की। ठीक है, वैसे मैं आपको बताती रहती हूँ लेकिन आज एक बार और थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। अब तक जो है 4 किसान रेल चल चुकी हैं भारत में, तो आपको उनका बता देती हूँ एक बार। पहली चली थी देवलाली से दानापुर। ठीक है, देवलाली से दानापुर चली पहली, देवलाली इज इन महाराष्ट्र एंड दानापुर इज इन बिहार। फिर सेकंड चली आपकी अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट से आपकी चली ये आदर्श नगर दिल्ली तक। ठीक है, तो यानी कि आंध्र प्रदेश से चली, ठीक है, आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर तक चली दिल्ली तक। ठीक है, उसके बाद तीसरी भी यही चली सेम। ठीक है, मतलब अनंतपुर से आदर्श नगर तक एक और ट्रेन चलाई जिसको हमने थर्ड ट्रेन का नाम दे दिया कि भाई ये तीसरी किसान रेल है। अब चौथे की बात करें तो चौथी जो है वो चली नागपुर से कहां तक, दिल्ली दिल्ली तक। ठीक है, तो ये 4 किसान रेल जो है अब तक चल चुकी हैं। बेसिकली ये जो रेल होती है ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब कैरी करके लेके जाती है, किसान के प्रोडक्ट्स होते हैं इसके अंदर, जो किसानों का उत्पाद होता है वो इसके अंदर होता है। ठीक है, जो वो खेतों में उगाते हैं, तो इसलिए इनको किसान रेल स्पेशली बोला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे पूछा जरूर जाएगा किसी ना किसी एग्जाम में। नेक्स्ट है, इंडिया हैज अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ILO जिसका हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा में, है ना, जेनेवा स्विट्जरलैंड में ILO का हेडक्वार्टर है, तो इसकी जो मेंबरशिप है भारत ने, सॉरी चेयरमैनशिप जो है वो 35 साल के बाद एक्वायर की है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और चेयरमैन कौन बने हैं, अपूर्व चंद्रा, ये भारत के हैं। ठीक है, भारत की तरफ से इन्होंने ये चेयरमैनशिप करेंगे किसकी, ILO की। तो ये चीज आपको याद रखनी क्योंकि 35 साल बाद ये हुआ है। नेक्स्ट है, एंडोरा एक कंट्री है, तो ये 190वें मेंबर बन गए हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। ठीक है, तो देखो इससे पहले 189 मेंबर्स थे IMF के, लेकिन अब कितने बन गए हैं, 190 हो गए हैं। ये भी याद रखना है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि 190th कंट्री जो इसकी मेंबर बनी है वो कौन सी है, और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जिसको हम पहले HRD मिनिस्ट्री बोलते थे, इन्होंने भी रिसेंटली एक कपिला कैंपेन लॉन्च किया है। ठीक है, टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, साइंटिस्ट भी कह सकते हैं आप, इनकी जो 89th बर्थ एनिवर्सरी थी कब, 15 अक्टूबर को। ठीक है, 15 अक्टूबर को हर साल मनाई जाती है, इनका बर्थडे होता है बेसिकली। और ये कपिला प्रोग्राम है ये आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि कलाम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी अवेयरनेस। ठीक है, ये कैंपेन एक तरह से लिटरेसी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस के लिए है ये। और मतलब इसके बाद इंडिया ने डिसाइड किया है कि 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक हर साल जो है एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी वीक मनाया जाएगा, सप्ताह मनाया जाएगा पूरा। ठीक है, ये 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक हर साल अब मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपको इससे याद रखनी थी। आई होप कि आप लोग अपने नोट्स भी बना रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट है INS कावरती। तो INS कावरती जो है, देखो भारत को जो है 4 इंडिजिनसली मेड मतलब सबमरीन वॉरफेयर स्टेल्थ कॉर्वेट्स बनाने थे, जिसमें से 3 वो ऑलरेडी बना चुके हैं और ये चौथी है जिसको अभी रिसेंटली कमीशन किया गया है विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो अपनी कैटेगरी की मैं बात करूं तो इन चारों के नाम जो है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो। पहली थी INS कोमोर्ता। ठीक है, कमोर्ता, उसके बाद ये फर्स्ट थी, उसके बाद सेकेंड आई आपकी INS कदमत कह सकते हैं, किल्तन थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मतलब ये आ चुकी है, मैं आपको बता रही हूँ अभी। ठीक है, INS कदमत, उसके बाद
थर्ड की बात करें तो वो थी INS किल्तन, ठीक है। कदमत हो गई, कमोरता हो गई, कदमत हो गई, INS किल्तन हो गई, ठीक है। और अब चौथी जो है ये है INS कवरती, ठीक है। तो ये चार हैं जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टेल्थ कॉर्वेट्स हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये बता दूं आपको कि ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मतलब ये जो INS कावरती है और INS किल्तन थी जो हमारी थर्ड थी, ये दोनों मतलब पहली दो मेजर वॉरशिप है कंट्री में जिसमें यूनिक फीचर्स हैं, किसके सुपर स्ट्रक्चर, मतलब सुपर स्ट्रक्चर है इनका, एक तरह से कह सकते हैं काइबर का सॉरी कार्बन फाइबर कंपोजिट मटेरियल से इनको बनाया गया है, कार्बन फाइबर कंपोजिट मटेरियल से इसको बनाया गया है। तो कावरती और किल्तन अपने आप में बहुत ज्यादा स्पेशल है, तो एग्जाम में इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME हैज लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट एवर हाई क्वालिटी खादी फैब्रिक फुटवेयर, यानी कि उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाला खादी कपड़े का जूता लॉन्च किया है अभी मिनिस्ट्री ऑफ MSME में, बेसिकली KVIC के अंडर, मतलब KVIC जो है MSME के अंडर है, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन जो है उन्होंने लॉन्च किया है खादी कपड़े का जूता, ठीक है। मतलब बेसिकली जूता तो ऑब्वियसली बेस तो उसका वही रहेगा, लेकिन ये जो सारा मटेरियल यूज होगा ना, जैसे कपड़ा हो गया जो भी होगा, ये आपका खादी में होगा। इसी तरह से फीमेल्स की चप्पलें भी मिलेंगी, ठीक है, मतलब सब तरह का फुटवेयर यहाँ पर अवेलेबल होगा, ठीक है, खादी में मिलेगा आपको। तो ये इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया, इसको भी याद रखना। और KVIC के चेयरमैन कौन है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना है, क्योंकि मैं काफी बार इस मतलब करंट अफेयर की वीडियोस में रिपीट कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, ये क्वेश्चन मैं आपको कितनी बार रिपीट करवा रही थी कि देखो मालाबार एक्सरसाइज जो होती है वो भारत, जापान और USA के बीच होती है, लेकिन भारत ने ऑस्ट्रेलिया को भी इसके लिए इन्विटेशन भेजा था, तो ऑस्ट्रेलिया ने फाइनली जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया है, और अब से जो है इस मालाबार एक्सरसाइज में जो कि ट्राइलेटरल थी, अब देखो इसको क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं ना, मतलब यहाँ पे चार कंट्री अब इसमें शामिल होगी, इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मैंने कितनी बार आपको रिपीट करवाया, लेकिन फिर भी आज ये फाइनली हो गया है कि भाई ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल होगा, ये नेवल एक्सरसाइज है, ओके। तो ये चीज भी आप याद रखना। नेक्स्ट है, चेन्नई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो है ये, मतलब चेन्नई मेट्रो रेल जो हैज बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू यूज माइक्रो प्लाज्मा ऑक्सीडेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये माइक्रो प्लाज्मा ऑक्सीकरण प्रणाली जो है शुरू करने वाला चेन्नई मेट्रो जो है वो सबसे पहला हो गया है देश में, ठीक है, ये चीज रखो। और मेट्रो से याद रखो कि कानपुर मेट्रो बनने वाली है ना, कानपुर की मेट्रो जो कि यूरोपियन यूनियन की हेल्प से बन रही है, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 17 अक्टूबर को, ठीक है। बेसिकली गरीबी को एंड करने के लिए, उसके प्रति अवेयरनेस दिखाने के लिए ये डे मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, इंडिया हैज रिलीज्ड ए पोस्टेज स्टैम्प टू मार्क द 75th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो भाई यूनाइटेड नेशंस को बने हुए 75 साल हो गए हैं, तो इनकी जो 75वीं जयंती पर जो है भारत ने एक पोस्टेज स्टैम्प जो है वो रिलीज करी, और ये वो पोस्टेज स्टैम्प है जो मैं आपको दिखा रही हूं, ठीक है। मतलब एक तरह से इनकी याद में हो जाती है, भाई आपने 75th एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट की है यूनाइटेड नेशंस की, तो एक तरह से इसकी याद में ये की है, ठीक है। याद में नहीं, मतलब अब ऑब्वियसली याद बन जाएगी जब हम आगे अगले साल डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे लास्ट ईयर ये लॉन्च की गई थी पोस्टेज स्टैम्प, ठीक है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडिया ने एक ₹75 का कॉइन भी लॉन्च किया है, FAO, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब 75th एनिवर्सरी पर इंडिया ने जो है ₹75 का कॉइन भी लॉन्च किया था, तो ये भी याद रखिए। और 75th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस के ऊपर मतलब ये पोस्टेज स्टैम्प जो है रिलीज किया है, तो याद रखना कि कॉइन जो है वो 75th एनिवर्सरी ऑफ FAO की पे रिलीज किया गया था, और ये स्टैम्प जो है यूनाइटेड नेशंस के लिए, ठीक है, और ये याद रखना। और यूनाइटेड नेशंस में हमारे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है वो है TS त्रिमूर्ति, ठीक है, अगर आपकी सिर्फ यूएन की बात करें, लेकिन अगर यूएन जेनेवा की बात करें कि जेनेवा में कौन है, तो वो है इंद्रमणि पांडे, तो ये भी आपको याद रखना है। और यूनेस्को में कौन बने हैं, यूनेस्को में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड आयुष्मान सहकार स्कीम जो है, ये आयुष्मान सहकार स्कीम लॉन्च की है आपकी एजुकेशन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने, ठीक है, और ये बेसिकली नेशनल कोऑपरेटिव्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए किया गया है, ठीक है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में, ठीक है। देखो होगा क्या कि इसमें आप कोऑपरेटिव्स को असिस्ट करेंगे ताकि वो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर पाए, जो आपका हेल्थ केयर स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप कर पाए, तो इसलिए चलाई गई है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा ये, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिया इंटरनेशनल फूड एंड एग्री वीक वॉज ऑब्जर्व फ्रॉम 16th ऑफ अक्टूबर टू 22nd अक्टूबर। तो भाई इंडिया इंटरनेशनल फूड एंड एग्री वीक मनाया गया, ये कब से कब तक मनाया गया, 16 से 22 अक्टूबर तक, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब छोटी बहुत जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं उनको बस आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे 2020, ये भी ऑब्जर्व किया गया कब, 21 अक्टूबर को। और देखो आयोडीन की कमी से जो है ना हमें एक बहुत ही मतलब खतरनाक ही कहूंगी, खतरनाक बीमारी होती है जो हम बचपन से पढ़ते आते हैं। मतलब मैं तो, मेरे को फोर्थ फिफ्थ से याद है कि तब भी पढ़ाया जाता कि आयोडीन की कमी से ये होता है, ऐसे नमक खाया करो, है ना। मतलब नमक खाया जाता है अगर आपको आयोडीन की कमी होती है तो, कि अगर आपको कमी है तो डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको ज्यादा क्वांटिटी में नमक लेना है। तो आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, आई थिंक ये सबको पता होगा। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमिटी अंडर मदन बी लोकुर की चेयरमैनशिप में, मतलब ये पर्सनैलिटी है मदन बी लोकुर, इनकी चेयरमैनशिप के अंडर जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी बनाई है, ठीक है। वो किस लिए बनाई है, टू प्रिवेंटिंग स्टबल बर्निंग इन पंजाब हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। देखो होता क्या है कि हर साल अब ये जो फसलों की कटाई हो चुकी है, ठीक है, तो जो पराली बच जाती है जिसको हम बोलते हैं पराली, है ना, स्टबल जिसको बोलते हैं, स्टबल बर्निंग जो होती है इसकी, तो ये जो पराली होती है इसको जो मतलब फसलों के कटने के बाद जैसे उनका जो रेजिड्यू रह जाता है ना, जो थोड़े थोड़े मतलब पूरे तो साफ नहीं होते ना खेत इस तरह से, तो उसको या तो किसान बहा देते हैं या फिर वो बहाने से प्रॉब्लम होती है उनको शायद, तो ये वो जला देते हैं, ठीक है। इसमें किसानों की बिल्कुल गलती नहीं है, वो क्या करेंगे बेचारे, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो लोग मतलब उस चीज़ को बेचें, मतलब उस चीज़ का भार उठाएं वो उसको साफ, क्योंकि खेत को फिर साफ करवाने के पैसे अलग लगते हैं, मशीन वाले अलग से पैसे लेते हैं, तो किसान बेचारे मजबूर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई कि वो देखेंगे कि किस तरह से जो है इस पराली के जलने को कंट्रोल में ला सकते हैं, या तो आप कुछ कीजिए, सरकार फैसिलिटी लेगी कि भाई ठीक है सरकार इसमें हेल्प करेगी किसानों की उसको साफ कराने में या फिर उसको खरीदने में, ताकि जो है किसानों को भी इससे फायदा हो। तो ये इनिशिएटिव्स हैं सुप्रीम कोर्ट के। अब देखो दूसरी चीज क्या है कि दिल्ली में इस टाइम पे पोल्यूशन बहुत हो जाता है, जिसका एक रीजन ये माना जाता है कि पराली के जलाने से होता है ना, तो दिल्ली एक तरह से गैस का चैम्बर बन जाता है। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और ये इंपॉर्टेंट इशू भी है साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है। तो याद रखना मदन बी लोकुर की चेयरमैनशिप में ये कमेटी बैठी है जो सेप्टल बर्निंग जो है पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में इसको देखेंगे। सॉरी ये मैं स्टबल स्टबल बर्निंग, ठीक है, स्टबल बोल रही थी, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये स्टबल बर्निंग, ठीक है। बेसिकली ये पराली होती है, मतलब मैंने तो यही वर्ड सुना है, आप लोगों ने शायद कुछ और भी सुना हो। नेक्स्ट है मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में एक मंडी डिस्ट्रिक्ट है, इन्होंने टॉप पोजिशन पाई है कहाँ पर, सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है, जो गाँव को सड़कों से जोड़ने की जो योजना है ये जो प्रधानमंत्री के द्वारा मतलब पीएम सेंट्रल लेवल की स्कीम है, तो इसमें जो है सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दी है मंडी डिस्ट्रिक्ट ने हिमाचल प्रदेश में, मतलब वहां पर जो है सड़कों का काम ज्यादा अच्छा चला है बेसिकली ये, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश ने एक पंचवटी योजना स्टार्ट की थी, पंचवटी योजना में क्या था कि भाई ये लोग सीनियर सिटीजन के लिए पार्क डेवलप करेंगे जहां पर वो लोग आके बैठ सकते हैं, जहां पर वो एक्सरसाइज कर सकते हैं जो भी है उनके लिए, ठीक है, ये भी याद रखो। और हिमाचल प्रदेश में एक टनल का इनॉग्रेशन हुआ है, उसको हम कहेंगे अटल टनल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से स्टेट में हुआ है ये भी पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है अटल टनल जो है वो रिसेंटली कहाँ इनोग्रेटेड हुई है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है नीति आयोग हैज कॉन्स्टिट्यूटेड पैनल अंडर राजीव कुमार चेयरमैनशिप, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट है राजीव कुमार नीति आयोग के। और अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट कौन होता है नीति आयोग का, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ये मैंने आपको ईवीएस की वीडियो में भी बताया था, जो लास्ट मैंने ईवीएस की वीडियो डाली थी, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि नीति आयोग जो है उसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, इनके वाइस प्रेसिडेंट कौन है, राजीव कुमार है, ठीक है। और इनकी चेयरमैनशिप के अंदर जो है एक पैनल बना है जो ये देखा गया कि अर्बन प्लानिंग जो है एजुकेशन सिस्टम है उसको कैसे सुधारा जा सकता है, ठीक है, यानी कि शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली को आप कैसे सुधार सकते हैं, ये इस पैनल, ये पैनल जो है इस चीज को देखेगा, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साइंटिस्ट ऑफ नीदरलैंड्स हैव डिस्कवर्ड ए न्यू ऑर्गन इन ह्यूमन थ्रोट, तो भाई जो ह्यूमन थ्रोट होता है, मानव गला होता है, इसमें एक नए ऑर्गन का डिटेक्शन किया है नीदरलैंड्स के साइंटिस्ट ने, ठीक है, मतलब ये याद रखना, अभी तक ऑर्गन का शायद नाम नहीं रखा गया है, लेकिन फिर भी स्टिल ये एक नया ऑर्गन इन्होंने खोजा है, मतलब ये किसी और चीज की खोज कर रहे थे, आई थिंक कोई कैंसर था, उस कैंसर की खोज कर रहे थे उस टाइम पे इनको पता चला इसके बारे में और ये इन्होंने डिस्कवर कर दिया, तो कहां के साइंटिस्ट थे, नीदरलैंड्स के, याद रखना। नेक्स्ट है एम्बेसी ऑफ इसराइल विल हैव अ सेपरेट वाटर अटैशे फ्रॉम जनवरी 2021, तो भाई जो मिनिस्ट्री एम्बेसी ऑफ इसराइल है जो, ठीक है, मतलब इंडिया में जो एम्बेसी ऑफ इसराइल है, ये एक नया इनिशिएटिव, मतलब एक नया सेपरेट वाटर अटैशे बनाएंगे भारत में जनवरी 2021 से। मतलब ये अटैचे क्या होता है, बेसिकली एक पर्सन जो मतलब एक स्पेशल चीज का ध्यान रखे, तो वाटर का स्पेशल बनेगा, ठीक है, इसराइल एम्बेसी ऑफ इसराइल में, ठीक है, तो ये चीज एक नया इनिशिएटिव है। नेक्स्ट है नोजोमी ओकोहारा, नोजोमी ओकोहारा ने रिसेंटली वुमेन सिंगल टाइटल जीत लिया है डेनमार्क ओपन में, इससे पहले मैं आपको यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन जो है मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, तो यूएस ओपन तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, डोमिनिक थीम ने इसमें जो है यूएस ओपन में मेल्स में जीता था, और अगर फीमेल्स की बात करूं तो इसमें थी
मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, जापान से थी, यस नाओमी ओसाका, ठीक है, इससे आया है, नोजोमी ओकुहारा, नाओमी ओसाका, दोनों ही जापान की है। तो यूएस ओपन जो था नाओमी ओसाका ने और मैन में डोमिनिक थियम ने, ठीक है। और फ्रेंच ओपन आपको बताना है कि मेल और फीमेल्स में किसने जीता है, ठीक है, मैंने आपको ये कराया था। और अभी हम बात कर रहे हैं डेनमार्क ओपन की, तो डेनमार्क ओपन में जो है नोजोमी ओकुहारा जो है इन्होंने वेमेन सिंगल जीता है, और एंडर्स एंटोनसन ये डेनमार्क के ही हैं, ठीक है, डेनमार्क के हैं, इन्होंने मैन सिंगल जीता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, जितने भी ओपन होते हैं टेनिस के ओपन होते हैं, ये टेनिस से रिलेटेड है ये बेसिकली, ठीक है, डेनमार्क ओपन भी, लेकिन आपके ग्रैंड स्लैम ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यूएस ओपन हो गया, विंबलडन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, ये सब आपको ज्यादा याद रखने हैं। तो फ्रेंच ओपन मेल और फीमेल में किसने जीता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है इंडिया होस्टेड द वर्चुअल समिट ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ जस्टिस, ठीक है। देखो SCO जो है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपका बीजिंग चाइना में है ना, और ये चाइना डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो चाइना का ज्यादा दबदबा है, इंडिया इसका पार्ट है और इसका पार्ट पाकिस्तान भी है, ये भी याद रखिए। तो इन्होंने, इंडिया ने भी रिसेंटली होस्ट किया था मिनिस्टर्स ऑफ जस्टिस का, ठीक है, मतलब एक तरह से न्याय मंत्रियों का जो सम्मेलन होता है उसको होस्ट किया, किसने, इंडिया ने, ठीक है, वर्चुअली होना था, वर्चुअली हुआ है, ओके। तो ये चीज भी याद रखो। तो आपको अभी फ्रेंच ओपन बताना है किसने जीता है, ओके, थोड़ा रिविजन हो जाएगा आपका भी, और आपको भी थोड़ा सा ये सर्च करने वाली हैबिट जो बढ़ती है इससे। नेक्स्ट है सिक्स एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 विल बी हेल्ड वर्चुअली फ्रॉम 22 दिसंबर टू 25 दिसंबर। तो भाई इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल मनाया जाएगा 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे, ये ऑब्जर्व किया गया 23 अक्टूबर को, ठीक है। देखो स्नो लेपर्ड जो है ये बेसिकली आपका माउंटेन रीजन्स में पाया जाता है, और एक स्नो लेपर्ड कंजर्वेटरी भी बनी है जो आपके उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में बनी है, उत्तराखंड के, ये याद रखिए, ठीक है, स्नो लेपर्ड कंजर्वेटरी। नेक्स्ट है NTPC, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो महारत्न कंपनी है, इन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया है कोलेबरेट करना सीमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ, ताकि ये फ्लाई ऐश को सप्लाई कर सके पूरे देश भर में, ठीक है। फ्लाई ऐश आपको पता है काफी इंपॉर्टेंट होता है ये, मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज होती है फ्लाई ऐश, तो इसका जो है ये कोलेबरेट कर रहे हैं सीमेंट के जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जैसे बिरला सीमेंट होगी या कोई भी इमामी सीमेंट होगी, इन सबके साथ मिलकर कोलेबरेट करेंगे NTPC, ये पब्लिक सेक्टर यूनिट है NTPC, ठीक है, याद रखना आपको। अब NTPC के चेयरमैन कौन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है शशि थरूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, आपको पता है हमेशा न्यूज में रहते हैं, भले ही किसी गलत रीजन से या फिर किसी अच्छे रीजन से, तो इनकी इंग्लिश की तो सब लोग बहुत तारीफ करते हैं कि ऐसे ऐसे वर्ड्स ढूंढ कर लाते हैं जो हमने कभी सुने भी नहीं होते, ठीक है। तो इन्होंने एक रिसेंट एक बुक लिखी है जिसका नाम है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, तो ये आपको याद रखनी है बुक, क्योंकि शशि थरूर ने लिखी है। इनकी बुक्स हो गई, चेतन भगत की बुक्स हो गई, जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज होते हैं इनकी बुक्स काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो द बैटल ऑफ बिलोंगिंग लेस लिखी है शशि थरूर ने। नेक्स्ट है असान कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये बिकम द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ उत्तराखंड। तो देखो उत्तराखंड में अब तक कोई भी रामसर साइट नहीं थी, बेसिकली रामसर साइट में आपके ये आते हैं जो मतलब इसको हम क्या कहते हैं, मैंग्रोव्स वगैरह नहीं होते, मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं, है ना, जो मतलब दलदली जो एरिया होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बाढ़ बाढ़ के खतरे को रोकता है, बहुत सारी चीज़ों को रोकता है। तो ये रामसर साइट का एक रामसर साइट जो है ये, मतलब जिस तरह से यूनेस्को की साइट्स होती है ना, इस तरह से रामसर साइट्स भी होती हैं, ठीक है। तो ये रामसर साइट्स का भी सम्मेलन होता रहता है, और इसमें भी मतलब बताते रहते हैं कि कौन सी जो है इंपॉर्टेंट है। तो भाई उत्तराखंड की जो पहली रामसर साइट है वो है असान कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दूसरी चीज, इंडिया में जो है टोटल 38 रामसर साइट्स हो चुकी हैं, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं, तो आप याद रखिए कि रामसर स्थल जो है भारत में टोटल 38 हो चुके हैं। बेसिकली एक रामसर कॉन्वेंशन हुआ था, ठीक है, उसका सम्मेलन हुआ था। ये वेटलैंड्स जो होते हैं ना, वेटलैंड्स, वेटलैंड्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, आई थिंक मैंग्रोव बोलते हैं, है ना, मैंग्रोव हो गए या फिर वेटलैंड्स हो गए, इनके ऊपर होती है साइट, स्पेशली जो वेटलैंड्स होते हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो इसमें असान कंजर्वेशन को आप याद रखना, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, और टोटल याद रखना जरूर, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू कैप द प्राइसेस ऑफ मास्क। देखो महाराष्ट्र ने डिसाइड किया है कि अब आप जो ये डीलर्स होते हैं ना, जो मास्क बेच रहे हैं, जितने भी हैं ये रिटेल में बेच रहे हैं चाहे जैसे भी बेच रहे हैं, तो ये लोग मास्क की कीमत जो है बहुत बढ़ाते हैं। कहीं कहीं तो मास्क 100 रुपए का भी बिक रहा है, कहीं 200 रुपए का बिक रहा है, वही सिंपल एक मास्क, ठीक है। तो इन्होंने कह दिया है कि नहीं, आप इतना नहीं बेच सकते हैं, हाई क्वालिटी लो क्वालिटी कपड़े का मास्क है या N95 मास्क है, तो मास्क है जो, तो महाराष्ट्र ने कहा है एक कीमत जो है तय कर दी, जैसे 3 या 4 रुपए में शायद इन्होंने कपड़े के मास्क की कीमत रखी है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, आप देख लेना एक बार, ठीक है, सर्च करके। और जो N95 होता है शायद उसकी 89-90 कुछ इतनी कीमत मतलब फिक्स कर दी है, ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने, कि अब आप इससे ज्यादा जो है कीमतों में इसको नहीं बेच पाओगे, ये महाराष्ट्र सरकार ने तय किया है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड हैज इनॉग्रेटेड इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम, एक विलेज स्कीम इन्होंने लॉन्च की गई है इन द स्टेट इन द पार्टनरशिप विद नाबार्ड। तो नाबार्ड के साथ इन्होंने जो है उत्तराखंड ने पार्टनरशिप करी है इस स्कीम के लिए, जो इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर स्कीम है।
मतलब देखो होगा क्या स्कीम में, बेसिकली जो है इसमें जो लोन है किसानों को वो बढ़ा दिया जाएगा कि अब ज्यादा लोन देंगे इसको किसानों को, ठीक है। लोन की जो अमाउंट जो है वो बढ़ा दिया गया है, बेसिकली फार्मर्स की इनकम को है डबल करने का जो टारगेट है हमारा, जो सेंट्रल लेवल पे भी चल रहा है, तो वो भी उसको एक सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, नाबार्ड के साथ पार्टनरशिप करी है। नेक्स्ट है, माइकल ईरानी हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम प्रेजिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के जो है ये इंटरिम प्रेजिडेंट बन गए हैं माइकल ईरानी, ठीक है। याद रखिए इंडिया से नहीं है, ठीक है, ये मतलब कहीं और से है, मुझे याद नहीं आ रहा कंट्री कौन सी है, लेकिन माइकल ईरानी बने हैं और IWF के प्रेजेंट बने हैं, ठीक है। IWF का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर हैज लॉन्च द प्रोग्राम कॉल्ड माई टाउन माई प्राइड। तो जम्मू कश्मीर ने जो है रिसेंटली ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, मेरा शहर मेरा गौरव, ठीक है, मेरा शहर मेरा गौरव एक स्कीम लॉन्च करी है जम्मू कश्मीर ने, तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। देखो कई चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ लेकिन बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, तो मतलब थोड़ा जनरल मैं सोचती हूँ कि इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती है ना, तो उनको तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको एक्सप्लेन ज़रूर करूँ। नेक्स्ट है, एक पैसेंजर ट्रेन चली है ढाका से सिलीगुड़ी के बीच में, जो स्टार्ट होगी 26 मार्च से। देखो मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश और भारत जो है एक नया ट्रेड रूट जो है वो ओपन करने जा रहे हैं, तो ये उसी ट्रेड रूट की बात हो रही है। तो भाई एक पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएगी कहाँ से, ढाका और सिलीगुड़ी तक, ठीक है, सिलीगुड़ी और ढाका के बीच में, ढाका इज इन बांग्लादेश, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, आधार कार्ड विल नाउ बी ऑब्टेन्ड एज PVC कार्ड एट ए नॉमिनल प्राइस ऑफ ₹50। तो एक PVC कार्ड के रूप में आधार कार्ड आपको मिलेगा ₹50 के रूप में, ये भी एक नई है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बट याद रखना एक PVC नाम से कार्ड है कोई, है ना। इसकी फोटो आप एक बार गूगल पे देख लेना, मैंने यहाँ पे डाली नहीं। नेक्स्ट है, एट्थ एडिशन ऑफ द एनुअल इंडेक्स नेवी श्रीलंका नेवी बाइलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज। देखो भारत की नेवी और श्रीलंका की नेवी, ठीक है, इंडिया एक एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है स्लाइनेक्स, ठीक है, स्लाइनेक्स। तो ये अभी हुई ट्रिंकोमाली में, ट्रिंकोमाली इज इन ये द्वीप है एक तरह से श्रीलंका का, और इस एक्सरसाइज का नाम है स्लाइनेक्स। जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत किसी के साथ भी करता है, जैसे अभी मैंने आपको मालाबार एक्सरसाइज के बारे में बताया था, ठीक है, बहुत सारे एक्सरसाइजेस करता है इंडिया डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के साथ। तो जो जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज होती हैं, सबसे पहले तो हमारा पड़ोसी देश हो गया है ना, तो श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी देश है, बांग्लादेश भी है, तो इनके साथ जितनी भी एक्सरसाइज है वो आपको याद रखनी है, मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ रिपीट करती ही रहती हूँ, ठीक है। तो श्रीलंका के साथ कौन सी करता है इंडिया, स्लाइनेक्स करता है, जो अभी रिसेंटली ट्रिंकोमाली में हुई। इनकी डेस्टिनेशन भी पूछ सकते हैं कि कहां पर हुई है, और ये एट्थ एडिशन था, ये भी याद रखिए। DRDO है सक्सेसफुली कंडक्टेड इन नाइट ट्रायल पृथ्वी टू मिसाइल। तो पृथ्वी टू मिसाइल का नाइट ट्रायल इन्होंने, रात का जो परीक्षण रात में किया इसका परीक्षण, पृथ्वी टू मिसाइल का, और ये नाइट ट्रायल किया इन्होंने, ठीक है। इसकी स्ट्राइक रेंज कितनी है, 350 किलोमीटर, ये भी याद रखिए, पृथ्वी टू मिसाइल। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट है, ईवीएस में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, मतलब हर जगह रिलेट करके चलो, इंटीग्रेटेड एजुकेशन करो यहाँ पे भी। नेक्स्ट है, सुशील कुमार सिंगल हैज बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू सोलोमन आइलैंड, ठीक है, बेसिकली राजदूत बने हैं, उच्चायुक्त कह सकते हैं इनको। देखो होता क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है, जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्री है ना, कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन सी होती हैं, देखो ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन ने कई कंट्रीज पर राज किया, उनको अपना उपनिवेश बनाकर रखा, जैसे हम भी थे, तो ब्रिटेन का एक कॉमनवेल्थ है उन्हीं कंट्रीज का, ये सारी कंट्रीज इसका पार्ट है जो भी ब्रिटेन के अंडर रही हैं, ऐसे इंडिया भी रही है, तो इंडिया भी कॉमनवेल्थ कंट्री का पार्ट है। तो इन कॉमनवेल्थ कंट्री में जब हम किसी राजदूत को भेजते हैं ना, तो उसको उच्चायुक्त बोला जाता है या फिर हाई कमिश्नर बोला जाता है। लेकिन अगर हम एक सिंपल किसी और कंट्री में भेजने हैं जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज नहीं है, तो वहां पर हम उसको एम्बेसडर बोलते हैं या फिर राजदूत बोलते हैं। लेकिन अगर कॉमनवेल्थ कंट्री में कोई हमारा एम्बेसडर बनता है, तो उसको हम बेसिकली हाई कमिश्नर बोल देते हैं, फर्क कुछ भी नहीं है, वो भी राजदूत है, वो भी राजदूत है, बस बोलने का फर्क है, ओके। तो ये डिफरेंस है हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में। नेक्स्ट है, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इन्होंने कमेटी बनाई है अंडर MS अनंत के अंडर जो है, फॉर प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल इंजीनियर्स बिल, ठीक है, प्रोफेशनल इंजीनियर्स बिल कॉन्स्टिट्यूट करेंगे ये, तो ये कमेटी बनी है अंडर चेयरमैनशिप ऑफ MS अनंत। नेक्स्ट है, फिक्की हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद ओडिशा। तो ओडिशा सरकार के साथ फिक्की ने एग्रीमेंट साइन किया है। फिक्की की इस फुल फॉर्म क्या होती है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। तो इन्होंने इसके साथ साइन किया है टू बिकम द नेशनल इंडस्ट्री पार्टनर। तो ये इनके नेशनल इंडस्ट्री पार्टनर बनेंगे ओडिशा के, किस प्लान के लिए, मेक इन इंडिया ओडिशा के लिए। जिस तरह से हम ये कहते हैं ना कि डिजिटल बनना है हमें, डिजिटल जो है चीज़ें ज़्यादा यूज़ करनी है, जैसे कि आप कार्ड पेमेंट करने लग गए हैं, कैश नहीं रखते अपने पर्स में, है ना, वो वाली चीज़ें हो गई। तो ये डिजिटलाइजेशन का जो प्रोग्राम है ये मेक इन इंडिया ओडिशा में भी चल रहा है, नेशनल लेवल पर तो चल ही रहा है मेक इन इंडिया प्रोग्राम, लेकिन ओडिशा में भी अलग से चल रहा है। तो इसका थर्ड फेज था, तो इसके लिए फिक्की के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है। नेक्स्ट है, सीमा गुप्ता हैज वोन द लाइफ टाइम अचीवमेंट बिजनेस कैटेगरी इन द 17th एनुअल स्टीव अवार्ड्स फॉर वुमेन इन बिजनेस। तो ये अवार्ड का नाम रखो स्टीव अवार्ड्स में, इनको सीमा गुप्ता भारत से हैं, तो इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ठीक है, तो ये भी चीज आपको याद रखनी है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तमिलनाडु के बारे में। अगला, तमिलनाडु के बारे में काफी चीजें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तमिलनाडु इज इम्प्लीमेंटिंग द स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम इन 80,000 गवर्नमेंट स्कूल्स टू इंश्योर बेटर टीचिंग। ठीक है, मतलब बेसिकली वही है कि स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड क्या होता है, जैसे कि आपका ये स्मार्ट बोर्ड हम कहते हैं ना जो कंप्यूटराइज्ड होते हैं, तो वो होंगे बेसिकली, और इनकी टीचिंग लर्निंग को ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, ताकि आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें, आपको वीडियो दिखानी है, आपको ऑडियो सुनानी है, तो बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु की एक एम वीरालक्ष्मी है, जो पहली भारत की एम्बुलेंस ड्राइवर बनी। ठीक है, तमिलनाडु नंबर वन रहा किसमें, मछली उत्पादन में। ठीक है, मछली उत्पादन में तमिलनाडु नंबर वन रहा। और तमिलनाडु में नाडु में जो है एक हल्दी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनाया जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु की जो इरोड हल्दी है, इरोड टर्मरिक जिसको कहते हैं, उसको GI टैग भी मिला था लास्ट ईयर। नेक्स्ट है सूरत। सूरत गुजरात की बात हो रही हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव लॉन्गेस्ट BRTS नेटवर्क हो गया है। ठीक है, देखो BRTS ये बस का नेटवर्क होता है, एक तरह से बस का रिलेटेड कुछ होता है इसमें। ठीक है, तो ऐसा नेटवर्क जो लॉन्गेस्ट नेटवर्क बना है वो सूरत में बना है ये। ठीक है, पहली सिटी बन गई है इंडिया की, देखो स्टेट नहीं है, सिटी बनी है। ठीक है, सूरत पहला शहर बना है। ठीक है, BRTS नेटवर्क के लिए। नेक्स्ट है फर्स्ट प्लांटेशन ऑफ हींग। देखो अब तक हींग जो है हम लोग इंपोर्ट करते थे, बेसिकली हींग का प्रोडक्शन हमारे देश में नहीं होता था, लेकिन जो पहला प्लांटेशन हुआ है हींग का, वो किया गया है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो अब हींग उगाएंगे हम लोग, मतलब हींग का पेड़ लगाया गया है जो भी है, तो देखना एक बार गूगल करके कहाँ लगाया गया है ना, हिमाचल प्रदेश में लगाया गया है। एग्जैक्ट कहाँ पर लगाया गया है ये एक बार आप सर्च करना, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक जो हींग है, आपको पता है हम सब्जी में डालते हैं हींग, है ना, सब लोग खाते हैं, लेकिन ये मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि प्लांटेशन किया गया है हींग का इंडिया में। नेक्स्ट है पंजाब स्टेट हैज डिसाइडेड टू लॉन्च इट्स ऑन स्केड्यूल कास्ट, सॉरी इट्स स्केड्यूल कास्ट पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप इन प्लेस ऑफ सेंट्रल स्कीम। देखो सेंटर्स की स्कीम चलती है, एक SCs को जो है स्कॉलरशिप मिलती है पोस्ट मैट्रिक में, लेकिन पंजाब सरकार ने जो है अपनी एक स्टार्ट करी है अभी ये। ठीक है, ये स्कीम स्टार्ट करी है। ठीक है, तो इन्होंने किया है कि भाई अब सेंटर की स्कीम को रिप्लेस कर देंगे, हम अपनी खुद की जो है ये है चलाएंगे। ठीक है, अब पंजाब की बात हो रही है तो कुछ आपको इंपॉर्टेंट जो है वो बता देती हूँ, जो पंजाब के बारे में जानना जरूरी है। देखो तो कई स्कीम चलाई थी पंजाब में, एक तो सबसे पहले आई हरियाली ऐप, आई हरियाली ऐप इन्होंने चलाई। ठीक है, आई रखवाली ऐप इन्होंने चलवाई। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कही घर घर निगरानी ऐप, घर घर निगरानी ऐप जो थी वो भी इन्होंने लॉन्च करी थी, ये तो ऐप की बात हो गई। उसके बाद इन्होंने एक लॉन्च करी थी स्कीम किफायती LED बल्ब योजना। ठीक है, LED बल्ब योजना, तो इसमें मतलब LED बांटे गए थे लोगों को, है ना, मतलब सस्ते दाम में। उसके बाद इन्होंने एक स्मार्ट राशन स्कीम भी स्टार्ट कर दी पंजाब गवर्नमेंट ने, तो काफी स्मार्ट कनेक्ट स्कीम भी थी, स्मार्ट राशन स्कीम भी थी, तो ये सारी स्कीम जो है किसने स्टार्ट करी थी, पंजाब की सरकार ने, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 77th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आजाद हिंद गवर्नमेंट वो सेलिब्रेटेड एट रेड फोर्ट इन इंडिया। देखो 77 साल पहले जो है आजाद हिंद गवर्नमेंट बनी थी, तो उसकी याद में जो है रेड फोर्ट पर ये एक तरह से इसको याद किया गया और इसकी एनिवर्सरी मनाई गई। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आ सकता है कि कहां पर मनाई गई, तो आपको याद रखना है रेड फोर्ट दिल्ली में मनाई गई। नेक्स्ट है इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 22nd अक्टूबर एंड द थीम वॉज जर्नी ऑफ वर्ड्स रिजिलियंस एंड बाउंसिंग बैक। ठीक है, अब देखो क्या होता है स्ट्रटरिंग, क्या होती है ये, होता है हकलाना, हकलाना। ठीक है, कुछ लोग हकला के, और कहते हैं कि मतलब कम से कम 70 मिलियन लोग ऐसे हैं दुनिया दुनिया में जो हकलाते हैं। मैं भी कई बार स्टैमर कर जाती हूँ, कई बार बोलने बोलते बोलते है ना स्टटरिंग हो जाती है, कई बार आप स्पीड में ज्यादा होते हैं, मुझे मेरी प्रॉब्लम ये लगती है कि मैं बहुत स्पीड में बोलती हूँ, मतलब थोड़ा ब्रेक नहीं है, मतलब ये आज से नहीं है, आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी से, ऐसा नहीं है, मतलब बचपन से मेरे काम में स्पीड है, जल्दी 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 करना है, मतलब चीजें वो वाली चीज होती है, तो इसलिए भी स्टटरिंग हो सकती है। स्टटरिंग और दूसरे तरीके से भी हो सकती है कि जैसे कि आपको बचपन से थोड़ा पटक पटक के बोल रहे हो, अगर आपको एंग्जाइटी है तो भी आप स्टटरिंग कर सकते हैं ना, अगर आप परेशान हो रहे हैं, जैसे इंटरव्यूअर आपके सामने इंटरव्यू ले रहा है तब भी आप लोग स्टटरिंग कर सकते हैं, मतलब अटक जाते हैं बोलते बोलते ही, क्योंकि हम थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं। और कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं, कुछ डिसेबिलिटीज भी हो सकती है ना, लैंग्वेज डिसेबिलिटीज, तो वो भी एक पार्ट है। तो इसके प्रति अवेयरनेस डे मनाया जाता है 22 अक्टूबर को हर साल, और इस बार की जो थीम थी वो थी जर्नी ऑफ वर्ड्स रिजिलियंस एंड बाउंसिंग बैक। ओके, दिस वॉज अ थीम, तो याद रखना। नेक्स्ट है जापान कोस्ट गार्ड कंडक्टेड द टेस्ट फ्लाइट ऑफ एन अनमैंड एरियल व्हीकल सी गॉर्जियन। ठीक है, सी गॉर्जियन, ये याद रखना भाई, जापान ने इस कोस्ट गार्ड का जो है टेस्ट फ्लाइट किया एक तरह से। और जापान के साथ हम कई सारी एक्सरसाइजेस करते हैं, एक होती है सहयोग काइजिन,
मतलब काई जिन ऐसे लिखते हैं गुजरात इसमें मतलब, ठीक है। एक होती है जिमैक्स, ये भी हम जापान के साथ करते हैं, तो जिमैक्स हो गई, सहयोग काइजिन हो गई, और एक एक्साइज मुझे याद नहीं आ रही, एक और है, चलो बाद में बता दूंगी। सहयोग काइजिन और जिमैक्स ये दो एक्साइज हम करते हैं। हाँ, एक मालाबार, मालाबार को कैसे भूल सकते हैं, है ना, मालाबार एक्साइज, जो जापान, यूएसए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया करेंगे, ठीक है, इस बार भी। नेक्स्ट है इंडिया गोट 94th रैंकिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स। देखो अब जितने भी इंडेक्सेस है ना वो जारी किए जा ही रहे हैं, तो भाई ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो रैंक है बहुत ही पुअर है, 94th है। इवन आप लगाओ हम बांग्लादेश जैसी कंट्रीज से भी बहुत पीछे हैं, मतलब वो लोग अपने लोगों को खाना खिला पा रहे हैं बट हम नहीं खिला पा रहे। क्यों नहीं खिला पा रहे, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो रीजन सिर्फ एक ही इकलौता है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना, और रिसोर्सेज बहुत कम हो चुके हैं, मतलब पहले ज्यादा थे अब नहीं है इतने, है ना, दोहन बहुत ज्यादा है और डिस्पैरिटीज हैं, इनइक्वालिटीज हैं, कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा है और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है, तो ये भी इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है इसमें हमें 94th रैंक मिला है। अब आपको ये बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो जारी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करता है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इवन पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये कंट्रीज हमसे आगे हैं इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ठीक है। खैर इसके वेरियस रीजंस भी हैं, और चाइना शायद इसमें टॉप पर रहा है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है इसका, शायद चाइना टॉप है। कुछ और कंट्रीज भी हैं जो काफी आगे हैं भारत से, है ना, टॉप में चाइना है, लेकिन टॉप 5 कंट्रीज में आई थिंक चाइना है। ओके, नेक्स्ट है राज किरण राय जी हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडिया बैंक्स एसोसिएशन। तो राज किरण राय जी जो हैं वो बने हैं नए चेयरमैन इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। देखो सारे बैंक्स की जो है एसोसिएशंस होती हैं ना, जैसे टीचर्स की एसोसिएशन होती है, इस तरह से बैंक की एसोसिएशन होती है, तो इसके जो चेयरमैन हैं वो बने हैं राज किरण राय जी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डीआरडीओ हैज रिसेंटली लॉन्च निर्भय क्रूज मिसाइल, निर्भय क्रूज मिसाइल एंड इट हैज अ स्ट्राइक रेंज ऑफ 800 किलोमीटर। तो डीआरडीओ ने रिसेंटली निर्भय क्रूज मिसाइल को जो है लॉन्च किया और इसकी मारक क्षमता जो है वो है 800 किलोमीटर, तो ये भी याद रखिए। जितनी भी जैसे पृथ्वी 2 मिसाइल के बारे में मैंने आपको बताया, अभी निर्भय मिसाइल के बारे में बताया, तो एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड स्टार्स प्रोजेक्ट। तो एक स्टार्स प्रोजेक्ट है जो जिसको वर्ल्ड बैंक जो है फंडिंग करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को जो है वो अप्रूव कर दिया है, और इसमें कितने करोड़ रुपए लगेंगे, इसमें बेसिकली 5,718 करोड़ रुपए भी लगेंगे। नेक्स्ट है एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है विल गिव ए लोन ऑफ $570 मिलियन देगा टू फंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथ द अर्बन लोकल बॉडीज इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। तो भाई राजस्थान और मध्य प्रदेश में शक्ति और शहरी स्थानीय निकायों को निधि देने के लिए, ठीक है, बेसिकली सार्वजनिक जो बुनियादी ढांचा है मध्य प्रदेश में और राजस्थान में उसको स्ट्रांग बनाया जाएगा, उसके लिए एडीबी फंडिंग कर रहा है, तो ये इन दो राज्यों के लिए, ठीक है, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान के लिए, याद रखना। नेक्स्ट है ऐश्वर्या श्रीधर, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको जो है पहली भारतीय महिला बनी है जिनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, ठीक है, ये अवार्ड्स मिलते हैं, हर साल मिलते हैं, तो 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है ऐश्वर्या श्रीधर को। शी इज 23 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, छोटी है लड़की, और मैं इनको आपका एक बार इनका जो फोटो जिसके लिए इनको अवार्ड मिला है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो देखो ये इनकी फोटो है, ये ऐश्वर्या श्रीधर है, ठीक है, ये आपको दिख रही होंगी, ऐश्वर्या श्रीधर है, और ये फोटो है जो इन्होंने खींची है, इसका नाम इन्होंने शायद इसका कैप्शन दिया है इन्होंने लाइट्स ऑफ पैशन, इस तरह से नाम दिया है। तो इसको जो है बेस्ट फोटो ऑफ द ईयर का वाइल्ड लाइफ फोटो, ठीक है, वाइल्ड लाइफ की बात हो रही है यहाँ पर, तो बेस्ट वाइल्ड लाइफ फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है इसको, ठीक है, ये चीज आप याद रखना। तो दिस इज मतलब थोड़ा डीप में जाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरे को थोड़ा फोटोज इतनी क्लियर होती नहीं है, है ना, आप बताना कि क्या इसमें आपका थ्रोट प्रोसेस है इस फोटो को लेकर, क्या इसमें कुछ आपको नया दिखा कि नहीं दिखा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा हैज टॉप द एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स। तो एक एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स भी स्टार्ट हुआ, ठीक है, एनीमिया आपको पता है बीमारी जो है ये, इसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है ना, विमेन में ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ऑल, तो एनीमिया जो बीमारी है इसको लेकर जो है एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स जारी किया गया कि कौन सा स्टेट जो है कितना ज्यादा इसमें काम कर रहा है ये चीज को, इस बीमारी को कम करने के लिए, तो हरियाणा ने इसमें टॉप किया है, ठीक है, ये याद रखना। और हरियाणा में जो है मतलब हरियाणा के बारे में बताऊं तो हरियाणा एक फ्रेश बॉटल भी लॉन्च करी थी हरियाणा, हरियाणा फ्रेश के नाम से, और एक वाटर प्रोसेसिंग प्लांट भी हरियाणा अपने स्टेट में लगाएगा, ठीक है। और खेलो इंडिया यूथ गेम जो 2021 के हैं वो भी हरियाणा में होंगे, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में, तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज लॉन्च ए प्रोजेक्ट कॉल्ड लाइफ इन मिनिएचर। ठीक है, एक प्रोजेक्ट चलाया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, संस्कृति मंत्रालय ने, लाइफ इन मिनिएचर। देखो होगा क्या, आपको पता है कि अभी COVID-19 के दौर में आप जो है म्यूजियम्स वगैरह में नहीं जा सकते हैं, नेशनल म्यूजियम हो गया है, जो भी हो गया, क्योंकि भीड़ भाड़ हमें इकट्ठी करनी नहीं है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया ना, अपनी गवर्नमेंट साइट्स पर जो है पिक्चर्स डाल दी है म्यूजियम्स वगैरह की, नेशनल म्यूजियम की हो गया, कई और पिक्चर्स इन्होंने डाल दिया है। तो आप इनकी गवर्नमेंट साइट्स पर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की गवर्नमेंट साइट्स पर जाकर वो है उसमें देख सकते हैं, मतलब गैलरी या फोटो गैलरी में कुछ ऐसे है तो वहां पर आप इसको देख सकते हैं। तो लाइफ इन मिनिएचर इसी प्रोजेक्ट को इन्होंने नाम दिया है कि अगर आप वहां तक जा नहीं सकते, विजिट नहीं कर सकते, तो ऑनलाइन ही आपको वो चीजें दिखाई दे जाएंगी। नेक्स्ट है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन हैज रिसेंटली कंडक्टेड एन ऑनलाइन सर्विस टू स्टडी ट्रैवल पैटर्न्स ऑफ कम्यूटर्स। तो मतलब भाई किस तरह से यात्री जो है, यात्रियों के यात्रा पैटर्न को एक तरह से उनको देखने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने एक ऑनलाइन सर्वे किया। तो अपने आप में एक नई पहल है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट, माइंस एंड मिनरल सेक्टर इज द मेजर एम्प्लॉयर्स इन रूरल एरियाज इन इंडिया बिसाइड्स एग्रीकल्चर। देखो हमें पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं, अगर भारत की बात करें तो कृषि प्रधान समाज है ना, तो रूरल एरिया में तो ज्यादा ही लोग, मतलब मोस्टली लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी रिसेंटली बताया है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में है, बल्कि जो माइन्स एंड मिनरल सेक्टर है इसमें भी बहुत ज्यादा लोग जो है एम्प्लॉयमेंट में है रूरल एरियाज से, है ना। जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पर माइन्स एंड मिनरल्स का बहुत काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लोग इन इस चीज में लगे हुए हैं। हरियाणा पंजाब अगर इधर देखें तो एग्रीकल्चर में ज्यादा है। तो मतलब दोनों का बराबर सा हिसाब है, एम्प्लॉयमेंट दोनों ही सेक्टर्स दो लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर हम इसको कह सकते हैं। तो गाइज ये थे आज के आपके करंट अफेयर, जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं वो आप गूगल सर्च करें या फिर आप पिछली वीडियो से पढ़े, मुझे आंसर जरूर करें, है ना। इससे आपकी रिविजन होगी और आपको कई नई चीजें जो है वो पता चलेंगी। एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।